अबे ये रिंकू सिंह कौन है बे? कौन है रिंकू सिंह? कोई पूछे कि कौन है रिंकू सिंह तो कह दीजिएगा कि कुछ नहीं से जो बहुत कुछ बन गया वो है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह वो है जिसने आईपीएल 2023 में दो दो मैच आखिरी गेंद पर जाकर केकेआर को जिता दिया। रिंकू सिंह वो है जिसके लिए शाहरुख खान ने कहा है कि गुरु जिस दिन तुम शादी करोगे ना तुम्हारी शादी में शाहरुख खान नाच के जाएगा। रिंकू सिंह वो है जो दुनिया को यह प्रेरणा देता है कि अगर हौसला है, जज्बा है, मेहनत करने की लगन है तो ये ना गॉड फादर वादर की जरूरत नहीं पड़ती है। रिंकू सिंह वो है जो नौवीं फेल है किसी जमाने में कोचिंग सेंटर में पोंछा लगाने का काम मिला था, किसी जमाने में बाप ने थप्पड़ मारा था क्रिकेट मत खेलो कुछ नौकरी कर लो पांच भाई बहन हो घर का खर्चा चल जाएगा, और वहां से वो है जो अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर रहा है, जिसके लिए टीम इंडिया के दरवाजे ना कभी भी खुल सकते हैं, वो है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह अलीगढ़ में पैदा हुआ एक लड़का जो अपनी काबिलियत के दम पे, मेहनत के दम पे दुनिया भर में छाया है, क्रिकेट के पिच पर भी, और जो पिच के उस पार जान रहे हैं उसकी कहानी को वो भी उसके दीवाने बन रहे हैं। सुनाते हैं। कहानी शुरू होती है अलीगढ़ से, यूपी के अलीगढ़ में 12 अक्टूबर साल 1997 को खनचंद्र जी और वीना देवी जी के यहां पर एक लड़का पैदा होता है, नाम उसका रखा जाता है रिंकू सिंह। तीसरा लड़का था ये इनके घर का, पिता जो है इनके सिलेंडर डिलीवरी का काम करते हैं, और सिलेंडर के गोदाम में ही एक कमरे का मकान था जहां रिंकू सिंह परिवार समेत रहते थे। अब आप समझ सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। इनके जो बड़े भाई साहब हैं वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, और कहा जाता है कि कुल पांच भाई बहन ये हैं। 10 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू लग गया था, और क्रिकेट का जुनून जो चढ़ा इनके ऊपर वो इनके करियर को, आज इनके परिवार को, देश को मान बढ़ा रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं था रिंकू सिंह की कहानी। पिताजी कहते हैं कि हम बिल्कुल नापसंद करते थे इसको, क्योंकि पढ़ता लिखता था ही नहीं, खाली क्रिकेट खेला करे। जब इससे कहो पढ़ लो तो कहे नहीं पढ़ना आता है। और इनके भाई साहब जो हैं वो एक कोचिंग सेंटर में काम करते हैं, और एक भाई साहब जो हैं वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और एक भाई साहब ऐसे हैं जिनके कहने पर रिंकू सिंह को कुछ दिनों तक एक कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने की नौकरी मिली थी। कुछ दिन पोछा ओछा भी लगाया लेकिन फिर रिंकू को लगा यार चल नहीं पाएगा मामला। वैसे ऐसी कहानी को धोनी की भी थी, धोनी को भी एक नौकरी मिली थी, छोड़ दिए थे, बाद में कहा यार कुछ कर गुजरेंगे, और देखिए फिर धोनी नाम कहां गया। रिंकू भी अपनी कहानी खुद ही। अभी रिंकू सिंह ने हाल फिलहाल में जो गुजरात के खिलाफ 5 छक्के मारे थे और अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, तो रिंकू सिंह की बात सुनकर मुझे यह एहसास हुआ कि यार ये जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना हम लोग की, इसमें माँ बाप हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे सपनों के दुश्मन बन जाए। उनकी समस्या सिर्फ एक रहती है कि यार हमने बड़ा संघर्ष झेला है और तुम भी सेटल्ड हो जाओ यार, 4 पैसा पाओ, बहुत ऐश मत करो लेकिन कुछ चलता रहे। वो सपनों के दुश्मन नहीं होते, वो सिर्फ तुमको गरीब देखना नहीं चाहते। और यही कहानी रिंकू सिंह की भी है। रिंकू सिंह जी के पिता जो हैं वो 2 कमरों का मकान, वो गोदाम के अंदर अलीगढ़ में, और उनकी आर्थिक स्थिति थी नहीं कि वो इनके सपनों को समझ सके। रिंकू कहते हैं कि 5 भाइयों जितने भाई बहन है सबसे सिलेंडर ढुआते थे, जाओ सिलेंडर देकर, और कायदे से कूटते भी थे रिंकू, क्योंकि पढ़ने में भी बेकार थे तो पिताजी इनसे बड़े डिसअपॉइंट थे। रिंकू कई बार कहते हैं कि मोहल्ले में हम लोगों ने शुरू किया था, 5-6 दोस्त हम थे, और खन्ना गेंद से हमने खेलना शुरू किया, बाद में लेदर गेंद पे आ गए, अलीगढ़ के मॉडर्न स्कूल में खूब क्रिकेट खेले, उसके बाद वहां पर 1-2 पारी खेली, थोड़ा बढ़ा, क्लब में जाने की हैसियत नहीं थी तो सरकारी स्टेडियम में कार्ड बनवा के प्रैक्टिस करने गए। जब घर वालों से पैसा मांगते तो घर वाले कहते सुनो पढ़ाई लिखाई कर लो, इतना पैसा नहीं कि बर्बाद करेंगे, लेकिन पापा मना किए लेकिन मम्मी और भाई सपोर्ट किए, और इनके सपोर्ट का असर ये रहा कि लड़के, हालांकि रिंकू सिंह को अपने पिता से कोई शिकायत नहीं, वो कहते हैं कि पिताजी ने मेरे बड़ा संघर्ष किया था। कैसे समझते हो इतना संघर्ष, इतने 5 लड़के कैसे कहानी होती। वो कहते हैं कि जब मैं छक्का मारता हूं तो ये सारे छक्के चौके जो है ये मेरे परिवार को समर्पित है जिन्होंने संघर्ष के दौर में मेरा साथ दिया। मेरी माँ ने एक बार टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे तो 1,000 रुपया एक दुकान से उधार लेके हमको दिया था, वहां से कहानी थी। फिर कहानी जो है वो धीरे धीरे बदलती रही, रिंकू खेलते गए। रिंकू कहते कि मुझे लगा था यार कि पंजाब
मुझे खिलाइए। आप जानते नहीं होंगे जिस पंजाब के खिलाफ इन्होंने आज वो 54 मार के मैच जिताया है, इसी पंजाब ने पहली बार इन्हें खरीदा था। हालांकि पूरा सीजन जो है वो बेंच पर चला गया। इसके बाद मुंबई इंडियंस का एक ट्रायल था जहां ये खेलने गए, 35 गेंद पर 80-90 रन मार दिए थे, लगा कि वहां से कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद केकेआर का वो ऑडिशन होता है जहां पर केकेआर इनको लाती है, और रिंकू सिंह को लगा था कि शायद 20 लाख रुपए में खरीद ले केकेआर, लेकिन रिंकू कहते हैं कि जब 80 लाख रुपए में मेरी बोली लगी तो मेरे कान से धुआं निकल गया, हम सोच नहीं पाए करेंगे क्या यार, 80 लाख रुपया क्या होगा, क्या जाएगा, मतलब इतना पैसा तो हम लोग जीवन में सोचे नहीं थे। पुरानी तस्वीरें आप रिंकू सिंह की देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और रिंकू सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह कि वो यारों के यार लगते हैं। आंद्रे रसेल ने मैन ऑफ द मैच के बाद कहा कि यार पोस्ट मैच में सारा टाइम रिंकू के साथ गुजारता हूं, हैप्पी वाला आदमी यार, प्रेरणा मिलती है, अच्छा दोस्त बन गया मेरा, मेरा मन करता है साथ रहो, बड़ी एनर्जी आती, सीखता भी है, सिखाता भी है, और जज्बा बड़ा जबरदस्त है। रिंकू सिंह कहते हैं कि आईपीएल में बिकने के पहले उनके परिवार पर 5 लाख रुपए कर्जा था, जब आईपीएल में बिके तो वो कर्जा जो है वो निकल गया। रिंकू ये भी कहते हैं कि यार यूपी अंडर 19 में खेलता था तो जो रिप्रेजेंटेशन मनी मिलती थी उससे घर का खर्चा चलने लगा, इंडिया अंडर 19 जा रहा था खेलना लेकिन हुआ नहीं मामला, लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया मैंने। वो कहते हैं कि अब जो भगवान दे रहे हैं वो उसकी भरपाई कर रहे हैं जो एक जमाने में होता था। फिर सवाल पूछा कि गुरु पापा ने सपोर्ट कब से करना शुरू किया, तो कहा कि यार पापा का सपोर्ट तब आने लगा जब दिल्ली में टूर्नामेंट खेलने गए थे और उस टूर्नामेंट में बहुत रन मारे थे हमने, और उसका असर ये हुआ कि हमको एक मोटरसाइकिल मिल गई थी और उस मोटरसाइकिल को हमने अपने पिताजी को गिफ्ट किया, और पिताजी ने इसके बाद उसी से डिलीवरी करना शुरू कर दिया। तब पिताजी को लगा कि यार क्रिकेट खाली बाहर खेलने नहीं जा रहा है, लड़का जा रहा है तो उधर से भी कुछ लेकर आ रहा है, और यहीं से पिताजी ने सपोर्ट कर दिया। लेकिन कहते हैं कि बीच में एक समस्या बड़ी आ गई थी कि जब पैसा नहीं था घर में, कर्जा वर्जा बढ़ रहा था, तो हमने भाई से कहा कहीं नौकरी लगवा दो, तो कोचिंग सेंटर में क्योंकि हम पढ़े लिखे थे नहीं, 10वीं भी पास नहीं थे, तो 9वीं पास पोछा काम लगवा दिया। वहां गए कुछ दिन लगाए, लेकिन फिर समझ में आया कि यार ये जिंदगी के लिए हम नहीं बने, कुछ और के लिए बने, और सारा फोकस जो है वो गेम पर करना है। और उसके बाद कुछ लोग जिंदगी में मिले जिन्होंने सवारा, सजाया, बढ़ाया, सामान दिलाया, और उनके सहयोग से आज धीरे 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 करते करते रिंकू सिंह को अब लोग जानने लगे हैं। रिंकू सिंह अभी मानते हैं लोग उनको नहीं जानते, हालांकि अब दुनिया जानती है। रिंकू सिंह की जिंदगी में दो लोग बहुत महत्वपूर्ण रहे, एक उनके कोच मसूद अमीनी और दूसरे मोहम्मद जीशान। ये दो लोग की भूमिका जो उनकी जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, रिंकू कहते हैं कि बचपन में यार गली मोहल्ले में जब खेले तो दोस्तों के साथ मिलके बॉल आ गई, खन्ना गेंद और लाल वाली गेंद और साथ दुनिया भरी गेंद हमने मंगा ली, लेकिन जब आगे खेलने का मन हुआ तब पैसा नहीं था और पैसा किट खरीदने का भी नहीं था, सपोर्ट कोई कैसे करे, सिखाए कोई कैसे, ट्रेनिंग कैसे मिले। तो कहते हैं कि उनके कोच जो अमीनी सर हैं उन्होंने इनका बड़ा सपोर्ट किया और उससे क्रिकेट की बारीकियां इन्होंने सीख ली। इसके अलावा इनके एक जीशान भैया हैं जिन्होंने इनको क्रिकेट की किट दिलवाई और यूपी में अंडर 16 ट्रायल जो है उसमें ये गए, हालांकि कहते हैं कि फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए थे, हमको नहीं खेलने मिला था। 2010-11 में ये यूपी में गए थे, लेकिन उसके बाद फिर 2012 में अंडर 16 में सेलेक्ट होते हैं। सुरेश रैना को ये काफी मानते हैं, उन्हीं के अंदाज की बल्लेबाजी भी इनकी है, और पहले ही मैच में जब ये गए अंडर 16 खेलने तो वहां पर 154 रन ठोक दिए। इसके बाद अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ इनका यूपी की, उसके बाद रणजी में डेब्यू हुआ, फिर विजय हजारे, फिर सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, काफी जगह इन्हें खेलने का मौका मिला, और वहां से इन्हें पंजाब किंग्स 11 ने चुन लिया जिसने इनको एक साल बेंच पर बैठाया। फिर मुंबई इंडियंस के सिलेक्शन ट्रायल में गए और उसके बाद फिर 31 गेंद पे 91 रन बनाने के बाद केकेआर ने बाद में इनको चुना, जिसके बाद अब ये हीरो। आपने सुना हो कई बार लोग कहते हैं कि यार रातों रात ये आदमी हिट हो गया, रिंकू सिंह की भी यही कहानी है। रिंकू सिंह 5 छक्के के बाद रातों रात हिट हो गए थे, लेकिन वो रात बड़ी लंबी थी संघर्ष की। 5 साल से रिंकू सिंह आईपीएल में है और रिंकू सिंह को कोई नहीं जानता था। रिंकू सिंह पानी पिलाने आते थे, केकेआर के लिए फील्डिंग करते थे, लोग कहते थे यार एक लौंडा है जो बढ़िया भागता दौड़ता है, लेकिन लगता नहीं कि इसके अंदर वो बात है, छोटा सा है दिखने में और कहानी। लेकिन रिंकू सिंह जो कहते हैं ना कि बड़ा संघर्ष किया और तपस्या का फल अब मिल रहा है, वो सच कहानी है। रिंकू सिंह की वो तपस्या काम आई और काम ऐसे आई कि अब जब उन्होंने ये 5 छक्के मारे तो उसके बाद वो हीरो बन गए। इस सीजन तो उनका कोई तोड़ नहीं, हर मैच में वो फिनिश कर रहे हैं। लेकिन केकेआर उनके दिल के बड़े करीब है, क्योंकि एक सीजन ऐसा हुआ था शायद 2021 वाला जब रिंकू सिंह को चोट लग गई थी और पैसा वैसा था नहीं, केकेआर ने उनमें इन्वेस्ट किया, केकेआर ने उनका ऑपरेशन करवाया, उनको फिट करवाया, और इसी वजह से केकेआर फ्रेंचाइजी के बड़े करीब रिंकू हैं।
वो कहते हैं कि कोलकाता की टीम में उन्हें परिवार जैसा माहौल मिला, उनको रोक कर लोगों ने रखा। नीतीश राणा जो है वो उनके बड़े करीब हैं और दोनों जो हैं वो काफी दिलेरी से नजर आते हैं। लेकिन रिंकू की कहानी जो है ना, ये बार बार हमको ये सिखाती है कि जो लोग कहते हैं ना कि यार हम नहीं कर पाए, कोई हमको साथ नहीं दिया, नहीं यार तुम कोशिश नहीं कर पाए थे, तुमने हार मान ली थी। रिंकू ने हार नहीं मानी, इसलिए वो आज रिंकू सिंह।